चाहूंगी विनेश फोगाट, देखो आज का टाइम, आज जो चर्चा में चल रही है, आज जो 100 ग्राम केवल मात्र 100 ग्राम में वेट ज्यादा होने के कारण उनको जो ओलंपिक में फाइनल में जाने वाली थी उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया, क्यों, क्या कारण रहा है? देखो क्या कहना चाहोगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया उस पर? प्रीति, एक बात तो आप भी समझ सको हो, कल उसके मुकाबले हुए 3, कल भी तो तोल ली होगी, कल भी तो वजन होया होगा, तो रातों रात 100 ग्राम कड़त आया गया या तो पहले भी आप कई बार है जो चुनाव लड़ चुके, कभी आसी से तो कभी बरवाड़ा है, अभी नारनौंद तय लड़ने के जो तैयारी कर रहे हो आप, टिकट तो आपकी कन्फर्म ही है, तो अभी तक आपको जीत प्राप्त क्यों नहीं हुई, क्या कारण है, बड़ा कारण? वोट तो सारे सरकार में जा रहे हैं, 1.5 लाख वोट गए लोग आए सरकार में, कि मैं तो सीधे गए कि मैं आला दुआला में गए, दोनों आने पल्ला झाड़ लिया, एक ने तो कह दिया मेरी चल दिए नहीं, ऐसा कोई संभव है कि आप चुने हुए विधायक हो और आपकी चल लेनी आप? अच्छा, 2019 में जेजेपी तय टिकट कटने का क्या कारण है, आपको छोड़कर दादा गौतम को टिकट क्यों मिली? ये तो आवागा कौन आसूत बैठेगा दुष्यंत, उस पर पूछियो आप। राम राम जी सारे नमः उन्हारी गल्ला प्रीति को उधर भी फिलहाल आप फ्रेम में मेरी गल्ला, आप इन लोग के वरिष्ठ नेता को देख लग रहे उम्मीद लोहान जी, बातचीत करांगे, इंटरव्यू भी बहुत दिलचस्प होने वाला है, बातचीत करांगे उम्मीद लोहान नारनौंद तय है जो इन लोग तय जो टिकट मतलब मिले गई है नहीं इनकी तो कन्फर्म है भाई, तो बातचीत करांगे नारनौंद की जनता को उम्मीद लोहान से क्या उम्मीद है? नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते, कैसे सर? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ जी ठीक हूँ, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, धन्यवाद, दर्शकों को राम राम कर दो। राम राम भाई सारा ने, और इसका चैनल ने भाई खूब ऊंचा चढ़ा दो, शेयर करके लाइक करके, अपना छोरी है आप, इसकी मदद करो। अच्छा तो ये बता दे उम्मीद लोहान से नारनौंद की जनता को क्या उम्मीद है? ये तो सारे पूछे हैं, ये तो जमा हो गया क्वेश्चन, बताओ जी एक बार। अच्छा ले बताना तो पड़ेगा, पूछोगे तो पड़ेगा। उम्मीद तो लोगों ने, चाहे कोई सरपंच बने है, चाहे कोई जिला परिषद बने है, विधायक बने है, चाहे सांसद बने है, सबसे ज़्यादा तकलीफ है जो रोज़मर्रा की समस्याओं में है, रोज आम है, जो आप किसान हो चाहे मजदूर हो जी। समस्या आती है आप जब घर से निकलते हो और किसी दफ्तर में काम पड़े, दफ्तर तहसील का भी हो सके है, दफ्तर पंचायत के बीडीओ का भी हो सके है, दफ्तर बिजली बोर्ड का भी हो सके है, दफ्तर टूटियाँ आयु पब्लिक हेल्थ का भी हो सके है, और नहर महकमे का भी हो सके है, किसी भी दफ्तर में आदमी जे नहीं, और उस हल्के का नुमाइंदा उपलब्ध नहीं है जिसको उन्होंने वोट दे के बनाया है, तो फिर उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसको जलील होना पड़ता है उन दफ्तरों में, उससे पैसे मांगे जाते हैं। आज भी सवेरे हमारे खातिका का फोन आ रहा था मेरे पास, को लोन की रजिस्ट्री की बैंक में तो लोन लेवे को छोटा मोटा, उस पर भी तहसील में 10,000 रुपये मांगे थे, पीछे को तकसीम वाले आ रहे थे गांव गए थे, उन्हें 50,000 रुपये मांगे थे, जबकि जमीन उन्हें गिर उनके भाइयों बननी, बिजली बोर्ड का यू हाल है, बिजली बोर्ड में न्यून तो न्यून कोई लोड बनवाना है, ट्यूबवेल का कनेक्शन बदलवाना है या कोई लाइन खिंचवानी है, तो उसमें ठेकेदार तक अलग तक दो, पहला अपना एस्टीमेट जमा कराओ, फिर उनका धक्के खाओ, किसी डिपार्टमेंट में बिक जाओ आप, यू एक नया चल रहा आजकल सब्सिडी वाला खेती बाड़ी वाला, ये पोली हाउस में, पोली हाउस में तो पीछे देखा होगा आपने, हैं? तो यह लोगों को उम्मीद है अगर भाई कोई उड़ा नारनौंद उन्हें बैठा पाए जे, या जो है उसका घर हो रहे उड़े बैठा पाए जे, जो छोटी मोटी तकलीफ है इनकी, ये तो को इनकी हिम्मत को नहीं, बस जायज काम के पैसे किस लिए लेंगे जो नुमाइंदा तकड़ा है, तो ऐसा आदमी होना चाहिए जो इनकी बेइज्जती नहीं होने दे, इनके छोटे मोटे काम करे, सबसे बड़ी बात तो है यार। और तो जो केंद्र सरकार की नीतियाँ प्रदेश सरकार उस नीतियों के हिसाब से बजट आवे, अपना बजट लेने की हिम्मत होनी चाहिए, विपक्ष के विधायक आपने इसे दिखाई दूंगा जो सरकार है ना, तो भी ज़्यादा बजट लिया हुआ है क्योंकि वो अपने एरिया का ध्यान रखे हैं, तो लोगों की उम्मीद तो यह है कि भाई उनका नुमाइंदा उनकी जो रोज़ उन दिक्कतों उनका समाधान करे, यह बात है।
तो पहले भी आप कई बार है जो चुनाव लड़ चुके, कभी आसी से तो कभी बरवाड़त है, अभी नारनौंद तय लड़ने के जो तैयारी कर रहे हो आप, टिकट तो आपकी कन्फर्म ही है, तो अभी तक आपको जीत प्राप्त क्यों नहीं, क्या कारण है? बड़ा कारण, बड़ा कारण तो लोग वोट दे के बनावे हैं, वोट कम रह गए तो हार होगी, रो वोट आपके ज्यादा आएगी तो आपकी जीत होगी, ये तो सीधा फार्मूला प्रीति, इसमें ये बड़ा क्वेश्चन ले। अच्छा। ये तो बरवाड़ा वाला में तो कोई झगड़ा हो गया था मेरे पर, डेढ़ एक बजे तो अपना जो यू एरिया था लोक दल का, इसमें पोलिंग कम हुई और फिर 80% पोलिंग होगी जिस तरह भी हुई हुआ, तो 15-16 से वोटों का मार्जिन रहा था हर जीत का, वो तो जीत्या वो चुनाव था, वो झगड़े की वजह से चला गया था। और आसी हल्का कभी मैं गया नहीं, कभी तैयारी नहीं करी थी, फिर भी कॉन्टेस्ट तो दूसरा नंबर पर मैं था, ये बिहाना साहब की तो जमानते तो 6 वोटा तो बची थी, चौथे नंबर पर थे, प्रोफेसर छत्रपाल तीसरे पे थे, रेणु का अगर मेरा मुकाबला था, जबकि 19 दिन मिले थे चुनाव लड़ने के हमने उड़े। अच्छा, 2019 में जेजेपी तय टिकट कटने का क्या कारण है, आपको छोड़कर दादा गौतम को टिकट क्यों मिली? ये तो आवागा कुआं सूत बैठेगा दुष्यंत, उस पर पूछियो आप, कटनिया तो है आपके भी तो कटे, आपने भी तो पता होगा। मन्ने तो पता नहीं, मन्ने तो सारी उम्र उनके लिए काम कराया, उसके पिताजी के खातिर कराया, उन खातिर कराया, तो मेरे तो कोई इसी समझ में आई को नहीं बात, बाकी आपने बता सके है। अच्छा, तू भी कोथाला दरनाड़ा ला, तू भी थोड़ा वो खोप खावे है, बताओगा सच्ची है? अच्छा, खोप खावे है, खोप खावे डबड़न कौन दिया था? नहीं बिल्कुल, अभी लोकसभा चुनाव में जो नाड़ा गांव और कोथ गांव में, मतलब कई गांव में है जो उनका, बात आपने करी थी झलक में, आप नाड़ा गांव में, नाड़ा में जी। तो एक और बात मैं पूछना चाहूंगी, पिछले 5 साल से जो सरकार ने नारनौंद की जनता की जो सुध बुध क्यों नहीं ली, मतलब सुध बुध तो जो जीत्या अपना विधायक है रामकुमार गौतम जी, 73,000 तो वोट उसका आ रहे हैं और 61,000 आ रहे हैं अपने कैप्टन साहब अभिमन्यु के जी। तो वोट तो सारे सरकार में जा रहे हैं, 1.5 लाख वोट गए लोग आए सरकार में, कि मैं तो सीधे गए, कि मैं आला दिवाला में को गए, दोनों आने पल्ला झाड़ लिया, एक ने तो कह दिया मेरी चल दिए नहीं, ऐसा कोई संभव है कि आप चुने हुए विधायक हो और आपकी चाल लेनी जी। आपकी चाल लेनी हो उसका CLU लेना है आपने जी, जी। आपने कोई बड़े ठेके दिवाने हैं आपके आदमियों तक, लेकिन जो रोज तंग हुए लोग उनका तो समाधान आप करे इसको हो। और कैप्टन साहब ने यूँ कहना शुरू कर दिया भाई इनका आँख होने दो हल्के के, तो उनने भी सरकार में वो बड़े बड़े नेता हैं भाजपा के, वो आ रहे हों तो भी उनकी मंत्रियां तो ज़्यादा चल रहे है, मानो आप यह बात, तो उनने भी सुध कौन ली, ये तो टोटली सरकार के नुमाइंदे हैं दोनों, जिनने लावारिस छोड़ दिया इस हल्के को, और लोगों ने तहसीलों के ताले मारने पड़े मुआवजे के लिए, दर दर भटके फिर भी उनने कुछ नहीं मिला, एक बाईपास किलकी मारेंगे पिछले 10 साल तक नारनौंद का बाईपास काट डांगे, आपको वहाँ लिकट दोगे उरा को कितनी दिक्कत आवे है, बहुत ज्यादा परेशान है लोग, 5 साल में बढ़िया थोड़ा बहुत, यू तो रोड बीच वाला बन गया, बाईपास तो बढ़िया नहीं, वो नक्शा बनवा हुआ है वो उसका पड़वाया उड़ जाएंगे, दुष्यंत बनवा हुआ है उसका अपने विधायक पड़वाया हुआ है, और विधायक बनवा हुआ उसका दुष्यंत पड़वाए थे, उरा कौन जाना चाहिए, उरा कौन जाना चाहिए, भुगतन लग रहे हैं लोग। हाँ, धनवा करो, तो काफी साल से आप भी मेहनत करो, लगातार मेहनत कर रहे हो, देखो देखा जाओ ना, जो मेहनत करनी है वो पीछे रह जाए, और जो ठाली बैठे हैं ना, मतलब जो मेहनत नहीं करते ठाली बैठे खावे हैं, वो बाजी मार जावे, क्या कारण है? कारण तो थोड़ा लोगों ने समझना चाहिए, लोगों ने सबसे मोटी बात तो ये समझनी पड़ेगी, अगे दनु जो बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी, वो चाहे हरियाणा तो क्षेत्रीय दल खत्म हो जाए, दनु पार्टी मिलके लोक दल के खिलाफ प्रचार करे हैं, अब ये तो वोट काटू है, ये तो इनके तो कुछ नहीं बटना, तो लोक दल का वोटर है हमेशा किसान और मजदूर, उन्हें सोचना चाहिए भाई, जिस तरह आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी है, बहन मायावती जी की पार्टी है, आगे ममता बनर्जी जी की है, नीतीश कुमार है, तेजस्वी है, उड़ीसा में बीजू जनता दल था लगातार 25 साल से राज था, भी थोड़े तारे हैं, आप जाओगे उधर उद्धव ठाकरे है, स्टालिन है, नायडू है, क्षेत्रीय दलों ने तो बचाया है भाजपा की सरकार आने से, उन्हें ने लड़ाई लड़ी है,
तो वो उनका बहकावा बना है कि अपना दल को और अपने नेता को मजबूत करो जो किसानों की लड़ाई लड़ने वाला है। तो आप क्या कुछ पर्पज लेकर चल रहे हो, जैसे जन प्रचार के लिए जाओ, जन संवाद के लिए जाओ लोगों के बीच में, मतलब क्या कुछ समस्याएं जो आपको देखने मिली लोगों के बीच में? बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी जी। आज नौजवान इतना बड़ा मुद्दा है रोजगार, इतना निराश है। अपने गामा मूरा सूखा नशा को मतलब था, आप देखोगे नौजवान सूखा नशा करने लग रहे हैं, सरेआम नशा बिके है, अताशा में करें बच्चे काम नहीं पाता, नहीं जब सारा दिन मोबाइल ना पिला के रहे हैं या कोई न्यूज उगाड़ जचा हुए हैं, कुकरे विदेश में जाने का दाल लग जे उसमें पीछे चाहिए, दफ्तर खुल गए, दलाल हो गए, एजेंट हो गए, एक आधा कामयाब हो जाए, दशा में दो कामयाब हो जाए, अट्ठा के पीछे खाए जे हैं। रोज पंचायत वहाँ प्रीति तो देखे ही गामा में उरे भी आए रहूँ रोज, करोड़ों रुपये तो मारा गाँव में उरे तो ठग के जा लिए। आप किसी भी गाँव में जाओगे सारा आपने करोड़ों रुपये ठगी मिल जाएगी विदेश भेजने के नाम पर, कोई रसिया घुमा के ले आओ, कोई मन कर 10 दिन न्यूजीलैंड ले जाए, कोई आपने किसी यूरोप का छोटा कंट्री में ले जाएंगे फिर वापिस छोड़ देंगे, किले बेचने लायक रहे हैं। तो युवा को रोजगार मिले, परंपरागत धंधा खत्म हो गया खेती का, तो रोजगार बड़ी समस्या है। किसान के लिए इनपुट है जो खेती बाड़ी में पड़े है, चाहे दुआई है, खाद है, खाद का टाइम तो आप देख दोगे एक एक कट्टा खातर लोग जुगर भीख मांगा करें, गोज में पीसे रहे हैं, फिर भी इनके बरना के खड़े रहे हैं, ये फिर क्या करेंगे, अगर बोले आप कट्टे तो दे दें पाँच, फिर यू पाउडर ले जाना पड़ेगा 5 डिब्बे, वो पाउडर निरा ठगी का वो है, वो मान ले 20 रुपये ही चीज़ है, 200 रुपये का वो चेप देंगे किसान के, 200 रुपये वो ब्लैक हो गया, तो टाइम पर कुछ मिलता नहीं। फिर बेचने जावे हैं कहते तेरी रजिस्ट्रेशन को नहीं, शरसम वाला जाएगा नहीं कहूँगे 15 मन तो फालतू कौन ले सकते किले की, तो किसान को तो इनने मार डाला, किसान तो बर्बाद है बुरी तरह से। और परमात्मा करे भाई, कोई परमात्मा भी करे को राज इसकी सुननिया आवे, फिर भी 10-15 साल लगातार राज किसाना का हक्का चल रहे नहीं, जब ये बोर्ड गए हैं, नहीं तो हरेक गांव में 200-200, 300-300 को डबड़ी बेचना चाहो है कर्जा तरण खातर, को दुआड़ा को किला बेकें भी हैं, शरमांदे तले तले बेच के आने लग रहे हैं, बुरी हालत हो रही है। तो एक और मेरा क्वेश्चन आप तरह वगा, अभी लोकसभा के चुनाव गए थे, 5 ही सीट बीजेपी की और 5 ही कांग्रेस की, देखो जो बीजेपी का विरोधी वोट बैंक था वो कांग्रेस की तरफ चला गया था, क्या इसी बीच है जो आप मतलब नारनौंद की जनता को अपनी साइड में कर पाओगे? बिल्कुल, नारनौंद की जनता है हमारी तरफ, वो तो इंडिया जो ब्लॉक बनया उसमें शामिल होना था सारे क्षेत्रीय दलों ने, पूरे कांग्रेस के नेता ने हमारा दल शामिल को नहीं होने दिया, तो लड़ाई तो इंडिया की एनडीए की होगी। इस लड़ाई में जब लोगों ने मान्या भाई वोट न्यूनता डालने में हारेगी बीजेपी, मोदी हारेगा इंडिया गठबंधन में, तो उन वोट डाल दिए, हम वोट मांगते तो वो कहें भाई चुटाला के प्रधानमंत्री बनेगा, तो हम सीटा पर तो 5-7 पर लड़ो हो, लड़ाई तो पूरे देश की है, तो इबका हमने वोट गेट लेने दो, तो लोगों की अपनी समझ थी और उसके हिसाब से उनने वोट दे दिए। आज हमारे पास मुख्यमंत्री का सबसे मजबूत चेहरा है, जिसने ज़्यादा तपस्या करी है, त्याग किया है, संघर्ष किया है और कुर्सी को लात मारी है, किसान समझने लग रहे हैं सारी बात ने, जो अब सिंह इंडियन नेशनल लोकदल कमज़ोर हो गया तो फिर मजबूरी हो जाएगी लोगों की, अब एक करके इनने दे दो, इनते छिक के उनने दे दो, आप देखते नहीं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में लोगों की मजबूरी है, एक कांग्रेस एक का हुआ, एक कांग्रेस एक का हुआ, तो आप तो फिर निफराम हो जाओगे, बना कर दो साले आग लगेड़ दे देंगे, तो इस करके क्षेत्रीय दल जरूरी है ताकि लोगों की वोट की कीमत रह सके, उनका मान सम्मान रह सके और उनकी एरिए की आवाज़ को उठा सके। आज को इशू है नेशनल पार्टी ने तो पंजाब में वोट चाहिए, राजस्थान में भी चाहिए, दिल्ली में भी चाहिए, पानी का मामला है, दिल्ली के लिए लड़ाई है पानी की, पंजाब के लिए है, तो वो तो उन्हें भी नाराज़ नहीं कर सकते, वो कैसे हरियाणा का कमा फैसला ले लेंगे, हाई कोर्ट का मामला है, राजधानी का मामला है, राष्ट्रीय पार्टी तो कोई नहीं बोल सकती। तो इसी बीच मेरा एक और आप तक कड़वा सवाल रहेगा, देखो देखो गुलगुले तो बतेरे उतर गए, तीज का त्योहार है, ये पकौड़ा की बारी आ गई,
सारा वोट बैंक है जो जेजेपी की तरफ चला गया था, और उसी बीच जो जेजेपी ने बीजेपी को समर्थन दिया, और बीजेपी को समर्थन देने की वजह से जो लोग दुष्यंत चौटाला से नाराजगी पैदा हो गई लोगों में, और लोग है जो इसी बीच फिर किसान आंदोलन भी होया और लोग सड़कों पर बैठ गए। तो देखो जो विरोधी वोट बैंक था सारा, मतलब जो विरोधी वोट बैंक था जो मतलब कांग्रेस की तरफ चला गया था, वो आपकी तरफ आप क्यों नहीं कर पाए? जो बीजेपी का और जेजेपी का वोट बैंक था वो इस चुनाव में कांग्रेस की तरफ चला गया। हाँ, यह तो कहने लग रहे थे भाई इंडिया ब्लॉक बन गया और लोगों ने लड़ाई में ये दो पार्टी मान ली, और आप आपकी तरफ क्यों नहीं कर पाए? तो राष्ट्रीय मुद्दे पर, राष्ट्रीय पॉलिसीज पर, राष्ट्रीय सरकार खातिर चुनाव था, उसमें लोगों ने मान्या भाई इंडियन नेशनल लोकदल अभय सिंह इस लड़ाई में कहीं नहीं है, तो वोट कदे खराब हो गया बीजेपी ने जीत जे। प्रदेश की लड़ाई में हमारे पास अपनी पॉलिसी है, अपना घोषणा पत्र है, अपना नेता है, और अपने वर्कर हैं, अपने लोग हैं, वो सारे मदद करने लग रहे हैं हमारी। आपके गुआंड सुआंड में इब कोई प्रोग्राम होगा तो आप आ जाइयो, अपने दिखावांगे सारे पुराने साथी हमारे वोटर, कोई वर्कर तो दाएं बाएं जा सके, वोटर सारा आ जाएगा, जिसने न्यू लगेगा नहीं। वोटर तो हैं जी बहुत सारे हैं। हाँ, तो वोटर ही जितावे हैं जी, है और आपके चुनावी सर्वे कराना, हाँ, बहुत सारे वोटर मिले हैं हमने भी। आपने पिछला गेड़ा देखा होगा जो मेरे जिसे थे नहीं न्यू मांड देनी है न्यू नेता, वह पिछले चुनाव में सारे भी गले चले गए थे कैप्टन गले, एक्स मेंबर भी था पंचायत का, एक्स सरपंच भी था, चाहे कोई रिटायर्ड कर्मचारी था, सब ने बरने अपने सामर सामर के अभिमन्यु के प्रोग्राम करवाए दिए थे। गौतम किसने जिताया? गौतम जिताया जो आली पाली हैं, जो तड़के पर रोटी लेने जावे हैं, ईब ले के आओगे फिर डांगरांगी करेंगे, उनके वोट हैं सबसे ज़्यादा, और वह वोट अभय चौटाला ने देंगे, लोकदल ने देंगे, भारत तक देंगे, वह जिताओगे। ये तो बहुत आखिर लग सोचे हैं, ये तो जो ज़्यादा तुल तुल देखा है नहीं, इसकी सरकार आओगी, इसकी सरकार आओगी, वो बनेगा न्यूनत, चलो उसका भी प्रोग्राम कर दिया, उसका भी करा दिया, उसके बजाय हमारा उस वोटर पे विश्वास है जो सीधा मजदूरी करनिया है, खेत में काम करनिया है, और साथ के साथ बीएसपी का इतना तगड़ा कैडर मिल गया हमें, तो डबल पावर हो गया, चश्मा लग गया। हाँ, आप देखो 3000 वोट आ रहे हैं भी लोकसभा में बीएसपी के, इतना बढ़िया उनका संगठन है, ये तो जब है आज हम पूरी मजबूती तक खड़े हैं तो बहुत वोट मिलेंगे उस कैडर के हमने। ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद। और एक और मैं आपसे बात पूछना चाहूंगी, विनेश फोगाट, देखो आज का टाइम, आज जो चर्चा में चल रही है, आज जो 100 ग्राम केवल मात्र 100 ग्राम में वेट ज्यादा होने के कारण उनको जो ओलंपिक में फाइनल में जाने वाली थी उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया, क्यों, क्या कारण रहा है? देखो क्या कहना चाहोगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया उस पर? प्रीति, एक बात तो आप भी समझ सको, कल उसके मुकाबले हुए 3, कल भी तो तोली होगी, कल भी तो वजन हुआ होगा, तो रातों रात 100 ग्राम गलत आया गया या कोई साजिश है, इसमें देश के भी कुछ षड्यंत्रकारी लोग मिलेंगे जो उसके खिलाफ थे, उसको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहूँ मैं, और ओड़ा उनने कोई साजिश रच के ये बहुत बड़ा धोखा हुआ देश गल है, हरियाणा गल है, किसान समाज गल है, हमारी बेटियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, और सरकार चुपचाप तमाशा देखने लग रही है, उसने कार्रवाई कर ओलंपिक में जान का क्या फायदा है जो इतना अन्याय हुआ है? पूरे देश की निगाह जो ओलंपिक के फाइनल पर टिकी थी कि विनेश फोगाट है जो इतिहास रचेगी, को फाइनल में नहीं पहुंचे आज लगे महिला रेसलिंग के। ठीक है जी, धन्यवाद, आपने आपका इतना कीमती समय मारता दिया। तो भाई देखो, उम्मीद लो हाँ जी, फिलहाल आप मेरे गल फ्रेम में देखने लग रहे हो विनेश फोगाट के प्रति है जो इन्हें प्रतिक्रिया रखी है, और इंटरव्यू भी लिया है इनका हमने, जो नारनौंद की जनता जो ने जो इन तक के कुछ उम्मीद है और बातचीत करी। तो भाई इस वीडियो के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपने आपकी प्रतिक्रिया जो सब कमेंट के जरिए ज़रूर रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।